वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हूँ धवल अजाणी सरस्वती ग्रुप ऑफ एज्युकेशन तरफ थी चालता ऑनलाइन विडियो लेक्चर में आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विषय कम्प्यूटर धोरण छठू, तो आप छठा चेप्टर में पावर पॉइंट विषय अभ्यास कर रहा था। अगाउना सेशन में आप पावर पॉइंट विषय घणी बधी माहिती मेळवी चूक्या छीए। स्टार्टिंग में ज्यारे आप पावर पॉइंट विषय शीखवानी शुरुआत करेली त्यारे आप एक पीपीटी पण बनावेली हती, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनावेलू हतु, जेमा ध टाइगर विषयनी आपणे माहिती एड करेली हती। आपणे जे पीपीटी बनावेली हती ए पीपीटीमां आपणे एक टाइटल आपेलू हतु, सब टाइटल, त्यारबाद टाइगरनो फोटोग्राफ आपेलो हतो, तेना विशे डिस्क्रिप्शन पण लखेलू हतु। त्यारबाद आपणे नेक्स्ट सेशनमां आपणे पिक्चर्स, टेबल्स आ बधी वस्तु एड करता शीखेला। लास्ट लेक्चरमां आपणे स्मार्ट आर्ट विषे माहिती मेळवी ली हती। तो चलो स्मार्ट आर्ट विषे एक बार रिविजन करिए अने त्यारबाद आगळनो नवो टॉपिक शीखीए। तो स्मार्ट आर्ट एटले शुं? तो के एक तमने इल्युस्ट्रेशन आपे छे, एक खूब ज सारी रीते तमने डिजाइन में कई पण वस्तु रिप्रेजेंट करवानी सुविधा पूरी पाड़े छे। तो चलो तमारे स्मार्ट आर्ट जनरेट करवू छे तो तेना पर क्लिक करो। त्यारबाद अहींया तमने घणा बधा ऑप्शन जोवा मळे छे कि तमारे लिस्ट प्रकारे कोईपण वस्तु रिप्रेजेंट करवी छे, कोई प्रोसेस तरीके रिप्रेजेंट करवी छे, कोई साइकल छे, कोई हायरार्की, रिलेशनशिप, मेट्रिक्स, पिरामिड, आइधर पिक्चर्स। तो तमे आम अलग अलग केटली बधी रीते तमारो डेटा छे ए रिप्रेजेंट करी शको छो। जो एक तमने लाइव एक्जाम्पल व्यवस्थित करीने बताऊं तो जो अहींया हूँ लखू छू मारा त्रण सब्जेक्टना नाम, त्रण सब्जेक्ट लखूँ, कम्प्यूटर, त्यारबाद लखूँ मेथ्स, त्यारबाद लखूँ साइंस। चलो मैं अहीं त्रण नाम लखेला छे, बराबर। आ त्रण नाम एटले के हूँ कोईपण त्रण टॉपिक बतावु छू। हवे एवी ज रीते आ जे वस्तु मैं लखेली छे बराबर आने सेम टू सेम, चलो हूँ स्मार्ट आर्ट में बताऊँ। तो अहीं हूँ नीचे आ डिलीट करी नाखूँ, अहीं स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करूँ छूँ अने अहींथी हूँ त्रण टॉपिक सिलेक्ट करूँ छूँ, जेमां सौथी पहेला मां लखीशूँ कम्प्यूटर, त्यारबाद नेक्स्ट छे मेथ्स अने साइंस। तो चलो मैं आ स्मार्ट आर्ट लई लीधुं छे। हवे स्मार्ट आर्ट ने थोड़ूक नीचे लईए तो तमे डिफरेंशिएट करी शको। आ स्मार्ट आर्ट जे लीधुं छे एमां पण आपणे अलग अलग प्रकारे डिजाइनिंग करी शकीए छीए, जेमनुं लेआउट, कलर बधुं चेन्जिस करी शकीए छीए। तो चलो, तो जो मैं अहींया ऊपर नॉर्मली सीम्पल टेक्स्ट में त्रण सब्जेक्ट लखेला है ये रिप्रेजेंट करूँ छूँ, आ है स्मार्ट आर्ट में लखेला है। तो तमे नक्की करी शको जो कोनू लेआउट वधारे सारू लागे छे। ऑब्वियस छे के स्मार्ट आर्ट में करेलू वर्क खूब ज सारी रीते बतावी शकाय छे। जो हजी एक वार सेंटेन्स रिपीट कर दूँ छूँ, मैं अहींया त्रण सब्जेक्टना नाम लखेला है, नीचे पण त्रण सब्जेक्टना ज नाम लखेला है, पण आ जे ऊपरना जे टेक्स्ट है ये नॉर्मल लखाण है, ज्यारे मैं अहींया नीचे तेमने स्मार्ट आर्टनी साथे सेट करेलू छे। स्मार्ट आर्ट में पण मने घणा बधा ऑप्शन्स मळे छे, तेना पर डबल क्लिक करवाथी डिजाइन पण चेन्ज करी शकाय छे। त्यारबाद एमनुं फॉर्मेटिंग अलग अलग कलर में फॉर्मेट पण तेमने करी शकाय छे जेवी जरूरियात मुजब, अने अहींया लॉट्स ऑफ कलर माटेना पण ऑप्शन अवेलेबल छे, अलग अलग प्रकारना कलर पण सेट करी शकाय छे। तो स्मार्ट आर्ट विशे बधाने कम्प्लीट माहिती मळी चूकी छे। चलो त्यारबाद छे चार्ट्स जनरेट करवा, तो चलो एक नवी स्लाइड लई लईए। हवे चार्ट बनावो एटले शुं? तो के जोईए बराबर, अहींया कॉलम चार्ट छे, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, आम घणा बधा प्रकारना अलग अलग चार्ट आपेला छे। तो तमारे चार्ट जनरेट करवो छे तो कोई पण एक चार्ट सिलेक्ट करो, त्यारबाद ओके पर क्लिक करो। तो तमे जेवुं ओके पर क्लिक करशो बराबर, तमने बाजूमां माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिक जोवा मळशे ज बराबर। त्यां तमारे माहिती फिल करवानी छे अने माहिती फिल करतानी साथे साथे ज ऑटोमेटिक चार्ट में पण सुधारो वधारो थतो रहेशे। आपणे चार्ट शा माटे यूज करीए छीए? तो के आपणे रिजल्ट, कोईपण रिजल्ट होय बराबर, अहींया तमे जोई शको छो त्रण वस्तु आपेली छे। तो चलो हूँ चार्टनी अंदर सुधारो वधारो करीने आपणे एक रिजल्ट जनरेट करीए। रिजल्टनी अंदर हूँ एवुं शो करूँ छूँ कि त्रण सब्जेक्टना मार्क छे,
रिपीट करू छू, त्रण सब्जेक्ट ना मार्क छे अने ए त्रणे त्रण सब्जेक्ट ना मार्क कोई पांच विद्यार्थीओ माटे ना मार्क छे तेने आपणे कम्पेरिजन करीए छीए। तो चलो अहींया केटेगरी वन नी अंदर तो के स्टूडेंट वन, त्यारबाद स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, त्रण नंबरनो विद्यार्थी एंड स्टूडेंट फोर चौथो विद्यार्थी, बराबर। आ चार विद्यार्थियों माटे हूँ मार्क लऊं छूँ, अहींया हूँ आपी दऊं कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सब्जेक्टना मार्क्स, त्यारबाद मैथ्स, त्यारबाद साइंस। चलो कम्प्यूटर मैथ्स अने साइंस त्रण सब्जेक्टना मार्क छे, सौ मार्कनी एक्जाम छे। तो स्टूडेंट वन ने कम्प्यूटर में सौ मांथी एसी मार्क आवेला छे, ज्यारे मैथ्स में सित्तेर ने साइंस नी अंदर पचास मार्क, ज्यारे स्टूडेंट टू ने कम्प्यूटर में नेव मार्क आवेला छे, मैथ्स नी अंदर अठाणु मार्क छे अने साइंस नी अंदर नेव्यासी मार्क छे। स्टूडेंट थ्री ने कम्प्यूटर नी अंदर पचास मार्क छे, मैथ्स नी अंदर तो के सित्तेर मार्क छे अने साइंस नी अंदर एसी मार्क छे। એવી રીતે સ્ટુડન્ટ ફોર માટે પણ માર્ક એન્ટર કરી દઈએ, તો તમે જોઈ શકો છો। ઓકે હવે આમને ક્લોઝ કરીએ, તો તમે આ જે વસ્તુ છે એ જોઈ શકો છો, આખો ચાર્ટ જોઈ શકો છો કે સો માર્કની એક્ઝામ છે। તો આ ત્રણ વિદ્યાર્થીઓનું એનાલિસિસ ગ્રાફ વાઇઝ આપેલું છે, આ ગ્રાફ જોઈને પણ તમે નક્કી કરી શકો કે કયા વિદ્યાર્થીના માર્ક કેટલા હશે, ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકાય છે। હવે અમને તમે સાઇઝ મુજબ તમારી જરૂરિયાત મુજબ આને સ્ટ્રેચ કરી શકો છો જેથી તમે એકદમ વ્યવસ્થિત જોઈ શકો। તો ચાલો આમાં કોઈને ડાઉટ નથી, બરાબર। અહીંયા ડિઝાઇન મેનુમાંથી અલગ અલગ તમે ડિઝાઇન પણ પસંદ કરી શકો છો, અહીંયા તમને ચાર્ટ અલગ અલગ લેઆઉટ પણ મળે છે। જો આ લેઆઉટ એવું છે કે જેની અંદર બધી જ વસ્તુ મેન્શન કરેલી છે, એક્ઝેક્ટ માર્ક મેન્શન કરેલા છે। લેઆઉટ મેનુમાંથી તમે જોશો તમને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ મળે છે, ફોર્મેટ મેનુમાં પણ તમને ઘણા બધા અલગ અલગ ઓપ્શન અહીંયા અવેલેબલ થાય છે। ચાલો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે હવે આપણે શીખવાના છીએ વર્ડ આર્ટ। તો વર્ડ આર્ટ એટલે શું, બરાબર? વર્ડ આર્ટ છે એ લખાણ જ ને થોડુંક અલગ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું છે, થોડુંક વધારે ડેકોરેટિવ બનાવવાનું છે, તો તેના માટે આપણે વર્ડ આર્ટનો ઉપયોગ કરશું। આપણે હેડર અને ફૂટર અગાઉ શીખી ચૂક્યા છીએ, તેથી ડાયરેક્ટ આપણે વર્ડ આર્ટ શીખીએ છીએ। વર્ડ આર્ટ પર ક્લિક કરવાથી તમને ઘણા બધા ઓપ્શન્સ મળે છે, એમાંથી કોઈ પણ એક પસંદ ઓપ્શન કરી લ્યો। મેં અહીંયા ઓપ્શન પસંદ કરી લીધો છે, અહીંયા હું લખું એસટીડી સિક્સ ગુજરાતી મીડિયમ, એસટીડી સિક્સ ગુજરાતી મીડિયમ મેં એવું લખેલું છે, બરાબર। તો તમે આવું કોઈ પણ અલગ અલગ સ્ટાઇલમાં લખી શકો છો। જો આપણે જ્યારે નોર્મલ લખતા હોય તો એનું કમ્પેરિઝન કરો, હું અહીંયા લખું એસટીડી સિક્સ ગુજરાતી મીડિયમ, તો મેં અહીંયા લખેલું છે એસટીડી સિક્સ ગુજરાતી મીડિયમ, બરાબર। આટલું લખીને આમની જે ફોન્ટની સ્ટાઇલ છે ચાલો થોડી કમથી વધારી દઈએ અને બંને બાજુમાં રાખીને કમ્પેરિઝન કરીએ। જો કઈ સારી લાગે છે, ઓબ્વિયસ છે કે વર્ડ આર્ટમાં લખેલી વસ્તુ સારી રીતે ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકાય છે। ચાલો આને કરીએ ડિલીટ। અહીંયા તમને ઘણા બધા લોટ્સ ઓફ ઓપ્શન અવેલેબલ થાય છે, તમે કોઈ પણ ઓપ્શનમાં તમારો ડેટા જે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકો છો। એકવાર તમે ટાઈપ કર્યા પછી પણ એની વર્ડ આર્ટની સ્ટાઇલ તમે જરૂરિયાત મુજબ ચેન્જ કરી શકો છો। તમે તમારી પોતાના માટે કોઈ નવી સ્ટાઇલ પણ બનાવી શકો છો, અહીંયા જે સ્ટાઇલ આપેલી છે એમાં પણ તમે કરંટ સ્ટાઇલમાં પણ સુધારો વધારો કરી શકો છો। શેપની ઇફેક્ટ આપવી છે, તમારે થ્રી ડી રોટેશન ટાઈપ આપવી છે તો એ પણ તમે અહીંયા આપી શકો છો। તો ચાલો આ હતું વર્ડ આર્ટ, હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક શીખીએ, ત્યારબાદ છે ઇક્વેશન। હવે તમે કોઈ પીપીટી બનાવો છો, પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન, અને તમે ગણિતના સૂત્રો તમારે રિપ્રેઝેન્ટ કરવા છે, તો અહીંથી તમે
इक्वेशन पण एड करावी शको छो, एरिया ऑफ सर्कल, त्यारबाद फूरियर सीरीज, आवा अलग अलग घणा बधा इक्वेशन आपेला छे। तमारे मात्र ने मात्र एमना पर क्लिक करवानुं छे, पायथागोरस प्रमेय। तो तेना पर हूँ क्लिक करूँ छूँ, तरत ज अहींया इक्वेशन आवी जशे। आ इक्वेशन ने हूँ थोड़ी मोटी साइज आपी दऊं जेथी तमे व्यवस्थित जोई शको। चलो तो जो इक्वेशन रेडी छे, बराबर। इक्वेशन नी अंदर तमारे कई चेन्जिस करवो छे तो तेना पर डबल क्लिक करो। अने इक्वेशन में तमने अहींया लागे छे कि बे घात आपेली छे, त्यां मारे पांच घात करवी छे, तो तमे इजीली मॉडिफिकेशन करी शको छो। तो आवी ज रीते खूब ज सरळताथी तमे पीपीटी नी अंदर मेथ्सना सूत्रों एड करावी शको छो। तो खूब ज सरळताथी मेथ्सना सूत्रों एड करावी शकाय छे। त्यारबाद बीजा सूत्र आपणे एड करवानी ट्राय करीए, कोई थीअरम। तो जो अहींयाथी आपणे आखे आखो इक्वेशन ने एड करावी शकाय छे। फोंटनी साइज थोड़ीक वधारी दईए। आमनी अंदर बधा एवा फोन्ट तमने मळी रहेशे के जे आपणे कीबोर्डमां नथी, जेम के आ जे साइन छे ए कीबोर्डमां होती नथी, तो ए प्रकारनी साइन पण तमने सरळताथी उपलब्ध थाय छे। अहींया तमे आमना पर डबल क्लिक करशो इक्वेशन पर, जेथी तमने एक्स्ट्रा बधा ज ऑप्शन अहींया मळी रहेशे। इक्वेशन माटे आखी अलगथी टेब आपेली छे, तो अहीं तमारे कोई नवं इक्वेशन टाइप करवू छे तो ए पण तमे अहीं करी शको छो। फ्रेक्शन छे, स्क्रिप्ट माटेनुं टेग छे, इंटीग्रेशन, आ बधा ज इक्वेशन तमे खूब ज सरळताथी बनावी शको छो। चलो त्यारबाद आपणे शीखवाना छीए ऑडियो अने विडियो, के तमारे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशनमां तमारे कोई विडियो सेट करवो छे, कोई विडियो सेट करवो छे तो केवी रीते करी शकाय। हवे एक वस्तु खास याद राखवानी छे के जो तमे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशनमां कोई विडियो एड करावो छो, तो ए ज्यारे पण तमे तमारी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशननी जे पीपीटीनी फाइल छे ए कोई पेनड्राइवमां अथवा तो कोई अलग जग्याए अलग पीसीमां रिप्रेजेंट करो छो, त्यारे तमे अंदर कोई विडियो के ऑडियो फाइल अटैच करेली होय तो ते पण साथे राखवी जरूरी छे। चलो तो विडियो अलग अलग त्रण रीते एड करावी शकाय छे। एक तो ऑनलाइन कोई वेबसाइटमांथी पण तमे डायरेक्ट एड करावी शको छो। बीजू छे तमारा करंट पीसीमांथी आइधर क्लिप आर्ट विडियो। तो चलो आपणे विडियो फ्रॉम फाइल, करंट पीसीमां जे काई विडियो पड़ेला छे तेने एड करावीए। तो चलो हूँ एक मारा करंट पीसीमां एक विडियो पड़ेलो छे तेमने एड करावी दो। मोटी करी लईए, त्યારબાદ અહીં પણ ટાઈગર વિશે સર્ચ કરીએ, ટાઈગર વિશેનો વિડિયો હશે તો આપણને મળી જશે। અહીંયા બધા ફોટો એડ નહીં થઈ શકે તો તેઓ 64 બિટ ડીકોડેડ વિડિયો હોય એ આપણે એડ કરાવવાની ટ્રાય કરીએ।
तो अहीं तमे तमारी जरूरियात मुजब कोई पण डिजाइन पसंद करी शको छो। डिजाइन मेनू विषय आपणे अगाउना लेक्चर में पण चर्चा करी चूक्या छीए, एक वार फरीथी चर्चा करी लईए। डिजाइन मेनू में तमे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नी डिजाइन पसंद करी शको छो अने अहीं डिजाइन मेनू में तमने घणा बधा ऑप्शन्स अवेलेबल थाय छे। डिजाइन मेनू विषे नेक्स्ट लेक्चर में फरीथी मळशुं। थैंक यू।